अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आइडियल सोलर की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 किलोवाट के एक बुनियादी सोलर सिस्टम की, जो कि एक 5 मरले के घर के लिए सबसे ज़्यादा इंस्टॉल होने वाला सोलर सिस्टम है। 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आप अपना 1.5 टन का एक इन्वर्टर, एसी, 3 से 4 पंखे, एक फ्रिज, एक पानी वाली मोटर और एक इस्त्री जो है वो आप इसके ऊपर चला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल 2023 में 3 किलोवाट के एक मुकम्मल सिस्टम के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आती है, उसके अंदर इन्वर्टर कौन सा इंस्टॉल होता है, सोलर पैनल्स कितने लगते हैं, बैटरीज, स्टैंड, वायर्स, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि किस चीज़ के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है। अगर आप भी एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी। आपको आइडिया हो जाएगा उसमें जो चीज़ें लगती हैं वो कौन सी हैं, चीज़ों की कॉस्ट क्या है और इसके ऊपर जो आपका लोड चल सकता है वो कौन कौन सा चल सकता है और इसके ऊपर आप सुबह से लेकर शाम तक सोलर के ऊपर ये सारा लोड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे चला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास भी एक 3 किलोवाट की जो है कोटेशन बनी हुई है, जो कि हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी तफसील भी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चले दोस्तों बिना देर के चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर आप अपना 1.5 टन का एक इन्वर्टर, एसी, 3 से 4 पंखे, एक फ्रिज, एक पानी वाली मोटर और एक कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री, साथ में एलईडी लाइट्स वगैरह, ये सारी चीजें आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक सोलर के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चला सकते हैं। उसके अंदर आप अगर वापडा का जो ब्रेकर वो ऑफ भी करना चाहें या अगर आपके पास बिजली नहीं भी आ रही, वापडा नहीं भी आ रही, तो भी सुबह से लेकर शाम तक ये लोड आप मैनेज करके जो है वो चला सकते हैं। लोड को चलाने का तरीका क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले जरा बात कर लेते हैं कि 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर यूज होता है वो कौन सा है। तो इसके अंदर 3 किलोवाट की कैटेगरी में मार्केट में तकरीबन जितने भी कंपनीज है सबके अंदर इन्वर्टर आता है, चाहे वो आप बात करें ज्यूनो की, ज्यूनो के अंदर एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर आता है, साथ में फ्रोनस के अंदर भी 3 किलोवाट का इन्वर्टर आता है, सोलर मैक्स, मैक्स पावर, टेस्ला, जितनी भी कंपनीज है सब कंपनीज के अंदर 3 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो आता है। प्राइसेस की अगर बात करें तो 1,50,000 से 2,50,000 के दरमियान में इन्वर्टर की प्राइसेस हैं। अगर हम बात करें कि हम जो 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं उसके अंदर हम कौन सा इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं, तो हम करते हैं जी ज्यूनो का PV5000 इन्वर्टर होता है, जो कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके अंदर जो है ये एक तो 24 वोल्ट बैटरी बैंक ऑपरेटेड, यानी कि इसके अंदर बैटरियाँ जो लगती हैं वो 2 लगती हैं, लेकिन 4 किलोवाट इन्वर्टर लगाने की जो वजह है वो ये होती है कि आपका अगर 3 किलोवाट का लोड है तो इन्वर्टर ऑब्वियसली उसे कुछ ना कुछ ज़्यादा कैपेसिटी का लगाना पड़ता है ताकि आपका जो लोड है वो इजीली इसके ऊपर चल सके। अगर फ्यूचर में आपने लोड को और बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो आपके पास सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है कि आप सोलर पैनल जो है वो फ्यूचर में और अपग्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल आएगा कि सिस्टम तो आप 3 किलोवाट का लगा रहे हैं, उसके इन्वर्टर को आप 4 किलोवाट का लगा रहे हैं, तो 4 किलोवाट इन्वर्टर लगाने की जो वजह है वो ये है कि अगर आपका लोड मिसाल के तौर पर 2500 वाट से 3000 वाट है तो आपका कोई भी इन्वर्टर ऐसा नहीं है जो 100% पूरा लोड जो है वो लगातार चला सके। अगर आप किसी भी इन्वर्टर की कैपेसिटी का 100% लोड उसके ऊपर आप लगातार चलाएंगे तो इन्वर्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और इन्वर्टर जो है वो फुल लोड के ऊपर चल चल के उसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। तो जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जितना आपका लोड है उससे 10 से 20% जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर आप इंस्टॉल करवाया करें। तो 3 किलोवाट का जो हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर हम ज्यूनो का PV5000 जो कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर है वो हम इंस्टॉल करते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें और जितनी भी ये प्राइसेस है, आज अप्रैल 2023 में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट की ये प्राइसेस है, तो आज की डेट में इसकी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1,75,000 के आसपास चल रही है। तो ये हम इसके अंदर इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं, इसका फायदा ये होता है कि एक तो आपका 3 किलोवाट का लोड भी इसके ऊपर चल जाता है और जो आप फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं सिस्टम को आपने सिर्फ सोलर पैनल इसके अंदर ऐड करने होते हैं और 4 किलोवाट तक का लोड आप इसके ऊपर ईजिली जो है वो चला सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम सोलर पैनल्स के ऊपर। तो 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर आपके 540 से 550 वाट के 6 पैनल जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आप पैनल लगा सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने जो लोड चलाना है जिसके अंदर आपका ये एसी बाकी चीज़ें आ गई तो वो आपके लिए 6 पैनल जो है उसके लिए मस्त है कि 6 पैनल आपने उसके अंदर लगाने हैं। और एक पैनल के अगर प्राइस की बात करें तो आज अप्रैल 2023 में एक पैनल जो है वो तकरीबन जो 540 से 545 वाट का है वो 68,000 का है, यानी कि 68,000 का है और प्राइसेस अप डाउन होती रहती है, लेकिन आपको मैं आज की डेट का जो आइडिया दे रहा हूँ आज तकरीबन 68,000 का एक पैनल है। 6 पैनल की अगर टोटल प्राइस की बात करें तो वो 4,08,000 बन रही है। तो ये 2 चीज़ों की प्राइसेस होगी। इसके बाद आ जाती है बारी स्टैंड्स की, जिन स्टैंड्स के ऊपर आपके सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल होने हैं। 80% जो है वो आपके L2 स्टैंड जो है वो लगते हैं, जिसके ऊपर एक स्टैंड के ऊपर 2 प्लेटें जो वो लग जाती हैं तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर छत के ऊपर जगह कम है, कंजस्टेड सी जगह है, कम जगह है, पैनल्स आपने 6 लगाने हैं, आपके पास 3-4 मरले से ज़्यादा घर की जगह नहीं है या छत के आसपास जो है वो आपकी जो बाउंड्री वाल है वो ऊँची है
तो उस सूरत में आपको कस्टमाइज करके स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन मैं आपको जो L2 स्टैंड यूज होते हैं उसकी मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। वो एक स्टैंड अगर हम 14 गेज का यूज करते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी में होता है, तो क्योंकि यहाँ पर हमने 6 पैनल इंस्टॉल करने, तो 6 पैनल के लिए यहाँ पर हम 3 जो स्टैंड है वो यहाँ पर यूज करेंगे, तो इनकी जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो 22,500 इन 3 स्टैंड की जो वो कॉस्ट बन रही है। इसके बाद इन्वर्टर की और पैनल की और बाकी जितनी भी आप चीजें लगा रहे हैं इनकी सेफ्टी के लिए जो साथ में हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं, जो भी इसके अंदर सेफ्टीज के जो ब्रेकर्स वगैरह प्रोडक्शन डिवाइसेज लगाते हैं, अगर उनके ऊपर आने वाले टोटल कॉस्ट की बात करें वो आज की डेट में तकरीबन 28,000 से 29,000 या 30,000 के आसपास उसके ऊपर कॉस्ट आती है, जिसके अंदर इसके अंदर हम जो ब्रेकर्स होते हैं वो लगाते हैं, इसके अंदर जो सर्ज प्रोडक्शन डिवाइसेज होती हैं वो यूज होती हैं, इसके अलावा जो प्रोडक्शन डिवाइसेज होती हैं वोल्टेज प्लस एम्पेयर वो सारी इसके अंदर यूज होती हैं, चेंज ओवर वगैरह जो भी एक्सेसरी इसके अंदर यूज होती है प्रोटेक्शन के लिए वो सारी तकरीबन 28,000 से 30,000 के दरमियान में अगर एक अच्छा सिस्टम आप लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगा रहे हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट आती है। इसके बाद अगले नंबर पर बात करें जो इसके अंदर वायर यूज होती हैं, क्योंकि आपने सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक भी वायर डालनी होती है और फिर इन्वर्टर से लेकर आपकी बैटरी तक जो है वो DC वायर वो भी जाती है, और इसके बाद आपके इन्वर्टर से आपकी DB तक और जो इन्वर्टर की DB होती है उसके भी कनेक्शन होते हैं। तो ये जितनी भी वायरिंग यूज़ होती है, अगर एक हम एक रफ सा एस्टिमेट लगाएं तो 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर तकरीबन 35,000 से 40,000 की जो वायर्स के जो है वो कॉस्ट आती है, जिसके अंदर आपके DC वायर, AC वायर और बैटरी वायर जितनी भी जो वायरिंग होती है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद इसके अंदर जो आपके PVC पाइप्स, कंड्यूट्स, डक्टिंग वगैरह जो भी अगर आपने एक प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम लगाना होता है, तो जो भी इसके अंदर हार्डवेयर की एक्सेसरी होती है, जो डक्टिंग वगैरह जो सिस्टम के अंदर जो भी आप वायर्स लगा रहे हैं वायर को कवरिंग के लिए और जो भी चीज़ें जो इसके अंदर यूज़ होती हैं एक्सेसरी के तौर पर, हार्डवेयर के तौर पर, उसके तकरीबन 15,000 से 18,000 के दरमियान में एक 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर कॉस्ट आती है। अब अगर बात करें दोस्तों बैटरियों की, तो 3 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं 3 किलोवाट, 4 किलोवाट की कैटेगरी में, वो 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप उसके साथ 2 बैटरी जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो बैटरीज लगाई हैं वो 12 वोल्ट, 185 एम्पीयर की टाल ट्यूबुलर बैटरीज हमने यहाँ पर 2 यूज़ की हैं, और इनकी अगर प्राइस की बात करें तो आज अगर अप्रैल 2023 की मैं बात करूँ तकरीबन 62,000 से 65,000 के दरमियान में इनकी जो है वो प्राइसेज चल रही हैं। तो 2 बैटरी की अगर प्राइस की बात करें तो ये 1,24,000 की 2 बैटरीज हैं ये बन रही है। अब बैटरियों की जो प्राइसेज हैं, अगर आप इसके अलावा कोई और बैटरी जो नॉर्मल आपकी UPS वाली बैटरी होती है वो यूज़ करते हैं तो आपकी जो प्राइस है वो इससे तकरीबन हाफ हो जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं। हम जितने भी सिस्टम लगाते हैं हम उसके अंदर ट्यूबलर बैटरी ही लगाते हैं, क्योंकि ट्यूबलर बैटरी स्पेशली बनी ही सोलर के लिए है, इसकी लाइफ भी आम बैटरियों से ज़्यादा होती है। अगर इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात करें तो 3 किलोवाट का जो सिस्टम होता है किसी भी आप प्रोफेशनल कंपनी से लगाएं जिनके पास प्रोफेशनल टीम्स होती हैं, जिनके पास इंजीनियर्स होते हैं और प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 24,000 से 25,000 वो चार्ज करते हैं। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस की अगर बात करें वो तकरीबन 5,000 से 6,000 रुपये होते हैं। तो एक 3 किलोवाट का मुकम्मल सिस्टम जो कि जितनी भी चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रही है अगर वो हम अच्छी क्वालिटी के अंदर यूज़ करें, हर एक चीज़ प्रॉपर वारंटी के साथ यूज़ करें, तो टोटल जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 8,45,000 आज की डेट में अप्रैल 2023 में इसके ऊपर कॉस्ट आती है। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं कि इस तरह के सोलर सिस्टम के ऊपर आप सुबह से लेकर शाम तक सोलर के ऊपर क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं और रात को आपके पास जो बैटरी बैंक होगा उसके ऊपर आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 किलोवाट के इन्वर्टर की बजाय 4 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो यूज़ किया है। तो इसके ऊपर आप 1.5 टन का एक इन्वर्टर AC, साथ में 3 से 4 पंखे, एक फ्रिज, एक पानी वाली मोटर और एक इस्त्री, ये सारा कुछ आप इसके ऊपर चला सकते हैं। चलाना आपने किस तरह है, सबसे पहले आपने 1.5 टन का जो आपका इन्वर्टर AC होगा वो आप इसके ऊपर चला सकते हैं, साथ में 3-4 पंखे, एक फ्रिज और एक पानी वाली मोटर, ये सब कुछ तो आप एट अ टाइम ही चला सकते हैं। लेकिन जब आपने इसके ऊपर इस्त्री वगैरह चलानी तो आपने कोशिश करनी है या तो आप अपना AC जो है वो बंद कर लें या पानी वाली मोटर वो बंद करके फिर आप इसके ऊपर इस्त्री चलाएं। इस तरह करके आप अपने घर का लोड मैनेज करके इसके ऊपर इजीली जो है वो चला सकते हैं। तो मेरे अपने घर में भी 3 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पर 2 ACs के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक तो AC जो है वो कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग चैनल से पहले से वाकफ़ हैं, हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं, उस AC की वीडियो भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि एक 1.5 टन का AC जो कि 3 एम्पीयर सिर्फ लेता है, साथ में 1 टन का AC जो तकरीबन 5 से 6 एम्पीयर लेता है, तो दोनों मिला के भी जो है वो 3 किलोवाट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस सिस्टम के ऊपर ईजिली चल रहे हैं। और अगर बात करें जो बैटरी हमने इसके अंदर यूज़ की है, तो बैटरीज का दोस्तों बेसिकली मकसद होता है जिस तरह आपके घर में UPS होता है, रात को अगर लाइट चली जाती है तो आप उससे एमरजेंसी जो चीज़ें आपने चलानी होती हैं जिसके अंदर आपकी लाइट्स आ जाती हैं, पंखे आ जाते हैं, TV वगैरह आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आप उसके ऊपर चला सकते हैं, आपके पास 5 से 6 घंटे का बैकअप जो है वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल होता है कि हमने ये 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा लिया है, 8.5 लाख रुपये हमने इसके ऊपर लगा दिया है, अब हमारा 24 घंटे ये AC और बाकी लोड जो वो चलना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सोलर का काम होता है सिर्फ दिन के टाइम सूरज की रोशनी से बिजली बनाकर आपका लोड चलाना। अब बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल भी होता है कि हम ये जो 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो इसके ऊपर हमारा 8.5 लाख इसके ऊपर कॉस्ट है, ये हमने 8.5 लाख इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, तो शायद हमारा ये सिस्टम जो है ये 24 घंटे हमारी जितनी
जितनी भी चीज़ें हैं एसी वगैरह बाकी सारी चीज़ें हैं वो सोलर के ऊपर चलाएगा। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये सिस्टम सिर्फ आपका दिन को जो लोड है वो सोलर के ऊपर चला सकता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी दिन को ही होती है, सुबह 6-7 बजे से शाम के 5-6 बजे तक, तब तक तो आपका ये सारे को सोलर के ऊपर चलता रहेगा। तो शाम को जैसे ही अंधेरा होना शुरू होएगा ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जो वावडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जितना भी लोड है वो सारा आपका वावडा के ऊपर आपके बिजली वाले मीटर के ऊपर आ जाएगा। अगर लाइट जाएगी वावडा भी ऑफ हो जाएगी, तब जाके आपकी बैटरी जो है वो यूज़ होगी। लेकिन बैटरीज का मैंने आपको बताया कि बैटरी सिर्फ आपके एमरजेंसी बैकअप के तौर पर होती है, आपने इसके ऊपर पंखे लाइट्स इस तरह की चीज़ें जो वो चलानी होती हैं। अगर आप हैवी लोड चलाएंगे तो आपकी जो बैटरीज की लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। अगर बात करें कि ये सिस्टम आपको कितनी सेविंग करके दे सकता है, तो इस तरह का जो सिमिलर सोलर सिस्टम होता है जिसके अंदर 540 से 545 वाट के 6 सोलर पैनल इंस्टॉल होते हैं, वो हर महीने तकरीबन आपको 300 यूनिट्स की जो बचत करके दे सकता है। और उसमें आपने थोड़ा सा अपना भी थोड़ा सा देखना होता है चीज़ों को कि आप इसको मैनेज करके मैक्सिमम फायदा जो है वो सोलर से आप उठा सकते हैं। आपकी जो पानी वाली मोटर होती है वो रात को आप ना चलाएं, दिन का कोई भी टाइम आप मुकर्रर कर लें, 12 से 1 बजे के दरमियान में आप पानी वाली मोटर चला के अपनी पानी वाली जो टैंकी है वो फिल कर लें और 24 घंटे उसको यूटिलाइज करें। बहुत सारे घरों में जो पानी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ पर एक टैंकी की बजाय डबल टैंकी कर सकते हैं, या अपनी एक ही टैंकी को जो है वो बड़ा आप लगवा सकते हैं कि जिससे एक ही दफ़ा पानी वाली मोटर जो है वो चले सोलर के ऊपर, पानी वाली टैंकी फिल हो तो वो 24 घंटे का आपको जो सर्कल है वो पूरा हो जाए। इस तरह वाशिंग मशीन होती है वो भी आप एक दिन मुकर्रर कर लें, मोस्टली संडे वाले दिन यूज़ होती है, आप सुबह 10 बजे से 12-1 बजे के दरमियान में वो भी सोलर के ऊपर आप चलाएं। और आयरन होगी, इस्त्री होगी, वो भी आप एक टाइम मुकर्रर कर लें कि आप 1 से 2-3 बजे के दरमियान में उसको आप यूज़ कर लें। तो इस तरह का जब आप सारा लोड अपना मैनेज करके इस सिस्टम के ऊपर चलाएंगे तो बिजली के बिल के अंदर भी आपको कमी देखने को मिलेगी। और बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि अगर हम ये 8.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसकी बजाय हम जो बिल आ रहा है वो पे करते रहें। तो दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो वो सोलर सिस्टम आपका अपना एक जाती बिजली का जो है वो बन जाता है, जिससे आप अपनी जरूरत की बिजली खुद बना सकते हैं। आप वावडा के रहमोकरम पे नहीं रहते, क्योंकि वावडा का आपको पता है कि जैसी गर्मी आती है लोड शेडिंग जो है वो बढ़ जाती है, हर 1-2 घंटे के बाद 1-2 घंटे के लिए बिजली जा रही होती है, फिर ये कभी ट्रांसफार्मर खराब हो गया। आजकल जैसे बारिशें हो रही है तो बारिशों के दिनों में 2-3 दिन जो है वो ट्रांसफार्मर खराब हो जो बिजली नहीं आती, तो उस रूप में आप अपनी बिजली बनाने में खुद फील हो जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपको पता होता है कि मेरा 3 किलोवाट का सिस्टम लगा है तो मैं इसके ऊपर मैनेज करके आपका अपना जो सारा लोड है वो इसके ऊपर चला सकता हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद होगी, इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी 3 किलोवाट के हवाले से वो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप भी दोस्तों इस तरह का सिमिलर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं या हमारी कोई भी सर्विसेज आप सोलर सिस्टम के हवाले से अवेल करना चाहते हैं, तो अभी दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 03154286666। इस नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप करके सोलर सिस्टम के हवाले से कोई भी डिटेल आपको चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अपने लोड के अकॉर्डिंग आप एक कोटेशन ले सकते हैं। अगर सिमिलर यही सिस्टम आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में, वो कितने में इंस्टॉल होता है, उसके ऊपर आपके 2 AC और बाकी कौन कौन सा लोड आप उसके ऊपर चला सकते हैं, उसके अंदर कितनी बैटरीज लगती हैं। अगर आप भी किसी सिस्टम के बारे में तफसील आपको चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना मेज़बान अदनान रशीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।